गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर द नर्व सेल्स, बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मोर पार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ नर्व सेल्स इन पार्ट 5। पिछले क्लास में हम पढ़े कि दोनों भाई और बहन मिल करके उस पक्षी के घोंसले को सजाने के लिए वो लोग बाथरूम के स्टूल भी लाए थे और वहाँ से वो लोग उसके लिए ट्विक्स, पानी, दाना, सारा चीज़ों का व्यवस्था करने लगे। आगे देखिए, कहता है केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड से गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव ए लुक। जब श्यामा जिद कर रही थी कि भैया मुझे भी उस घोंसले को दिखाओ, तब केशव ने क्या किया कि उससे कहा कि जाओ टोकरी लेके आओ और कुछ दाना और एक कटोरे पानी भी लेके आना, उसके बाद मैं तुम्हें उसको दिखाऊंगा। श्यामा ब्राउड द बॉल ऑफ वाटर एंड राइज टू केशव प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली। श्यामा बेग वंस अगेन, भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू सो आई कैन सी। श्यामा दौड़ते हुए गई, एक कटोरी में पानी और थोड़ा चावल लेके आई और केशव ने उस टोकरी में वो दोनों सामान, पानी का जो कटोरी थी उसको भी और दाना को, दोनों को रखा और कॉर्निश में जाके बढ़िया से सजो कर रख दिया। उस समय श्यामा भैया से कहने लगी कि भैया मुझे भी चढ़ने में दो, हम भी देखेंगे। तो केशव कहता है कि यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। श्यामा कहती भैया मैं नहीं करूँगी, आप स्टूल पकड़िएगा, मैं चढ़ के वहाँ देखूंगी। नो नो नो, इफ यू फॉल डाउन मा विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। केशव कहता है कि अगर तुम वहाँ से गिर गई तो माँ मुझे चटनी बना कर रख देगी। सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, और तुम्हारी हेल्प करने के एवज में मुझे ही दोषी ठहराएगी। What will come out of you seeing them anyway? Now the eggs are comfortable. When they hatch, we shall both look after the chicks. और केशव कहता है कि तुम उसे देख क्या करोगी, अंडे अभी आराम से वहाँ पर रखा हुआ है, जब वे अंडे से बच्चे आ जाएंगे तब मैं तुम्हें, हम दोनों मिल करके उसको दिखेंगे। The two birds would approach the cornice only to quickly fly अवे अगेन, केशव वंडर इफ दे वे स्केयर्ड एंड टूक अवे द स्टूल्स। अब दोनों पक्षियाँ फिर कॉर्निश के पास आ गई, ये देख करके केशव को लगा कि शायद वे लोग डर से यहाँ से उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इसलिए अपना वो स्टूल को लिया और वहाँ से चला गया। श्यामा वाज टियरफुल, श्यामा रोने लगी। यू डिडंट शो मी सी कंप्लेन, आई शैल टेल मा, वो कहती है कि आपने मुझे उस मरकोनिस में जो था वो घोंसला उसे नहीं दिखाया, मैं इसकी शिकायत माँ से करूँगी और तुम्हें पिटवाऊँगी। आई सेल डेस यू इफ यू टेल माँ, तब केशव कहता है यदि तुम माँ को बोल दोगी तो मैं तुम्हें पीटूंगा, मारूंगा। देन व्हाई डिडंट यू शो मी, तो श्यामा कहती है तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड व्हाट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन यू हेड, तब केशव कहता है कि क्या मैं तुम्हें वहाँ पर चढ़ा दूंगा और गिर जाओगी, तुम्हारा माथा फूट जाएगा, तो सो वाट बिग डील, यू जस्ट वेट, आई शैल टेल मा। जस्ट देन द डोर ओपेंड एंड मा कम आउट शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, उसी क्षण जो है दरवाज़ा खुलती है और माँ बाहर निकलती है और दोनों बच्चों को धूप में खेलते हुए देखती है। वाट आर यू डू डूइंग आउट देयर इन द सन, सी आस्ट, हु ओपेंड द लेज, हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, और माँ कहती है तुम दोनों कैसे बाहर निकल गए इतने धूप में, किसने दरवाज़ा खोला, तुम लोगों को बराबर कहा जाता है कि दोपहर को घर से बाहर नहीं निकलो, तुम लोग निकल जाते हो। केशव हैड ओपन द लेट बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, केशव ने दरवाज़ा खोला था लेकिन श्यामा ने इसके बारे में माँ को कुछ नहीं बताई। सी वाज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट ए बीटिंग, वह जानती थी कि अगर इसे बताने से माँ उसे पीटेगी। केशव वाज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील,
He didn't shown her the eggs and so didn't trust her. Whether Shyama was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture. Perhaps it was both. और श्यामा ने माँ से कुछ नहीं कहा. वो जानती थी कि भाई के साथ में वो भी इस अपराध का दोषी है, तो इसलिए वह चुपचाप रही. ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में मैं इतने ही बता रहा हूँ. ठीक है, आगे के वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करूँगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना है, कमेंट भी करना है, और कमेंट में अपना क्लास ऐसा रोल जरूर लिखें. ओके, थैंक यू वेरी मच.